बेंगलुरु के नौजवानों की तंजीम इंडियन ग्रुप की जानिब से कर्नाटक हज भवन में तमाम आजमीन के लिए फ्रूट रोज़ाना तकसीम किए गए। हज कैम्प के दौरान ये फ्रूट तकसीम किए गए। मेरा नाम वाकि मुबारक खान है। हमारा काम तो स्क्रैप का करते हैं, हमें ऐसा ही हाजियों की खिदमत करेंगे बोल के वो जब से वो हज भवन खुला है तब से हमारी एक कोशिश थी कि कुछ इधर से काम करेंगे, हमें खिदमत करेंगे बोल के। इंशाल्लाह अल्लाह हमारा एक कबूल किया कि हज कैम्प में आके हज भवन में हाजियों को हमारे हाथों से फ्रूट देना बोले तो अल्लाह बहुत बड़े इसमें हमारे को चुना। इस वजह से हम जब से खुला है हज भवन तब से आके हमें हाजियों की खिदमत कर ले वहीं और टाइम काट लेते हैं। हमें कितना काम रहा तो भी ये आके साल में एक ही टाइम आता है हज को जाते हैं हाजिया, ये आके मौका किसी को नहीं मिलता, ये मौका हमारे को मिला। इस वजह से हम खुश नसीब हैं और अल्लाह के रसूल को हम इतना ही दुआ करते हैं। जितने भी हमारे कर्नाटक के अंदर मुसलमान भाइयाँ बहुत मजबूर हैं, इनको सभी अल्लाह एक हमारे इधर से जो हाजियाँ जाती हैं नौजाक दुआ करें तो एक अच्छा ये होता बोल के हमारा ये है। इंशाल्लाह हमें आके फ्रूट का कर लेगी, माशाल्लाह हमारा बहुत खुश नसीब हमें। सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाई बताई जैसा हमें एक इंडियन ग्रुप करके बना के है, उसमें हमारे अमीन सिम पहलवान शीराज करके है, मुबारक पाशा करके सभी है और मतीन, ये हम पांचों लोग मिलके अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कर रहे हैं, हर साल की तरह इसी साल भी कर रहे हैं। ये दो साल बीच में कोविड आके हमारे को बहुत जो हम काम नहीं किए तो हमारे को बहुत बेजार लगा, चलो इस बार मौका मिला। इससे बड़ी खिदमत क्या है, हाजियों की खिदमत करने से बड़ी खिदमत कुछ भी नहीं है। हम खिदमत करने से हमें इतनी खुशी मिलती है कि हम सोचते हर महीना हज का हो, उतनी खुशी मिलती है हाजियों की खिदमत करने से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाई बताया था चाय हरीरा और फ्रूट का इंतज़ाम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खुशी होती है हमारे को करने का। बस किसके तरफ से ये काम होता है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिलती है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह जब स्टार्ट किए जब से लेकर अभी तक हमारी इंडियन ग्रुप ही करते आ रही है। इंशाल्लाह हमारी जान कब तक रहती है, सांस कब तक रहती है, जब तक हमारी इंडियन ग्रुप ही करते रहेगी इंशाल्लाह। बोलिए सर किसके तरफ से? सब हमारा इंडियन ग्रुप बोल के हमारे पांच दोस्त मिल के नसीम सैयद नसीम बोल के अमीन खान बोल के मुबारक खान तम मतीन बेग सिराज बोल के हमें पूरे नयाज बोल के हमें पूरे मिल के ये खिदमत अंजाम दे रही है हाजियों के लिए। हर साल भी जब से हज भवन ओपन होया खिदमत अंजाम दे ले के आले कहीं इंशाल्लाह जब तक हमारे जिस्म के अंदर सांस रहती है जब तक इंशाल्लाह ये खिदमत अंजाम करते रहती। क्या खिदमत करते हैं? हमारी खिदमत आके फ्रूटों का इंशाल्लाह आते साल खाने का भी सोच के ही इंशाल्लाह आते साल इंशाल्लाह हाजियों के वास्ते खाने का भी इंतज़ाम करेंगे। आपकी जो तंजीम है वो सिर्फ हज के मौके पे करती है? नहीं, जो भी काम भी कौम का मसला आएगा, कौम का क्या भी इदारे का रहेगा, जो भी कौम का क्या भी काम होएगा उस जगह पे हमें कैंप डाल के खाने का होंदे या फ्रूट का होंदे जो भी इंतज़ाम हमें हमारी टीम के तरफ से लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन में भी इंशाल्लाह हमें खिदमत अंजाम गरीबों के लिए सबके लिए करे थे हमें इंशाल्लाह। जो भी कौम का काम आएगा, जो भी इंसानों का काम आएगा, कोई भी जात का इंसान हो उसके लिए हमें मदद करने के लिए कभी भी 24 आवर खड़े हैं।